वेल आज बहुत खुश हूँ. जिस दिन मैं बाहर निकला था बिग बॉस के घर से उस दिन निशा का बर्थडे था और अब आज हमारी एनिवर्सरी की हम ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं और निशा ने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है मेरे लिए जिसका मैं वेट कर करके थक गया हूँ. पता नहीं कुछ उन्होंने बनाया है मेरे लिए जो स्पेशली सब दोस्तों के साथ अभी अनवेल करेंगे, आप लोगों को भी दिखाई जाएगी. तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी दैट्स ऑल आई नो. वेल मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो बाहर हैं मेरे पास हैं क्योंकि वो बहुत खुश हैं बाहर आकर. एंड ये जो सरप्राइज़ था वो मैंने प्लान किया था कि उन्हें बिग बॉस के घर पे भेजूंगी, बट सिंस करण इज़ आउट नाउ आई एम वेटिंग टू शो हिम द सरप्राइज. करण आज सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं? आज किसी को नहीं मिस कर रहा, इनको सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ एंड ऑफकोर्स माई पेरेंट्स बिकॉज निशा की मॉम यहाँ है लेकिन मम्मी पापा कुणाल माई यंगर ब्रदर वो लोग नहीं आ सके. मॉम इज़ अ लिटिल अनवेल तो ऑफकोर्स उनको मिस कर रहे हैं, बट उनके साथ फेस टाइम वगैरह हम लोग टाइम पास करेंगे कल. करण आज सेलिब्रिटी की बात में कौन कौन पहुंचने वाले हैं आपको ऐसे मिलने के लिए पार्टी? बहुत सारे दोस्त हैं जो करीबी हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं ऑन द वे. सालों से वो दोस्त रहे हैं तो लॉट ऑफ देम आर हियर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू कम. सब टीवी इंडस्ट्री से हैं, कोई बिग बॉस के घर से भी हैं, कुछ लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, करीबी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं निशा के, बहुत लोग हैं. काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी. जो मैं चीज़ करना चाहता था मैं वही कर पाया. रिस्पेक्ट के साथ अंदर गया, डिग्निटी से वापस आया. सो आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर. मेरे साथ तो कम ही हुआ, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं तो आई वॉज़ डिफेंडिंग माई सेल्फ, लेकिन उसके बाद शायद कोई मुझसे ज़्यादा पंगे लेने आ ही नहीं रहा था एंड बहुत खुशी खुशी अपना टाइम निकाल दिया हमने. हर कामयाबी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, अगर आप कामयाबी की बात करें तो ऑफकोर्स वो निशा का ही है बिकॉज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो फिर आई थिंक बहुत मुश्किल होता मेरे लिए. एंड हर चीज़ जो मैंने आज तक की है जब से मैं निशा को मिला हूँ 10 साल से, तो एवरी डिसीजन हैज़ बीन ऑलवेज विद हर कंसेंट. कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है जब कभी निशा ने मना किया और मैंने कर ली हो, तो ऐसा ही रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग. तो वेल ये लाइकवाइज है, हमेशा मैंने भी जो लाइफ में डिसीजंस लिए वो करण के बिना नहीं लिए, हम दोनों एक जैसे हैं इन मामले में. एंड आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, सबसे खुशी मुझे इस बात की कि करण मेरे साथ हैं. थैंक यू.